नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया के पोस्ट ने एक बार फिर से सभी को चौंका कर रख दिया। नवाजुद्दीन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जोगीरा सारा रारा को लेकर काफी चर्चा में है, लेकिन उससे पहले पत्नी आलिया के इस पोस्ट ने एक चीज को क्लियर कर दिया कि अब आलिया जो है अपने पति जो है नवाज से नाराज नहीं है और वो सुलह के मूड में नजर आ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके एक्टर से यानी कि नवाज से माफी भी मांगी है और साथ में आलिया ने यह भी कहा है कि वो नवाज और उनके परिवार पर जो भी केस किए गए हैं उनको वापस ले रही है। उन्होंने लिखा, हेलो नवाज, नवाज ये लेटर आपके लिए है। मैंने कहीं जगह ये पढ़ा है कि लाइफ चलते रहने का नाम है। हमारे बीच जो कुछ पिछले दिनों महीनों में हुआ उसे भुलाकर अपने ईश्वर पर आस्था रखकर उनकी प्रेरणा से खुद की गलतियों पर माफी मांगते हुए और आपकी गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़कर फ्यूचर को सही आकार देने की कोशिश करूंगी। अतीत में फंसकर रह जाना किसी भी चक्रव्यूह में फंस जाने से कम नहीं होता, इसलिए इस पास को पीछे छोड़कर ऐसी गलतियों को फिर ना दोहराने के वादे के साथ हम बच्चों के फ्यूचर को एक गोल्डन लाइट से भरने की कसम लेते हैं। हालांकि आलिया ने यह पोस्ट अब उनके इंस्टाग्राम से हटा दिया है, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट में साफ कहा था कि वो जो है केस वापस लेने को तैयार है। तो अब नवाज और आलिया के बीच में सब कुछ ठीक ठाक सा नजर आ रहा है और ये पोस्ट इस बात की ओर इशारा करता है कि वो ना सिर्फ केस वापस लेने को तैयार है बल्कि अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने को भी तैयार है। एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था कुछ समय पहले जो काफी ज्यादा चर्चा में था, जहां आधी रात को उनको और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था और उनकी बेटी बुरी तरह रोती हुई नजर आ रही थी। इन सारी चीजों से बच्चों की पढ़ाई भी काफी इफेक्ट हो रही थी और कोर्ट ने कहा था कि बतौर माँ बाप आप दोनों को बैठकर सुलह करनी चाहिए और बच्चों के फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि कम से कम एटलीस्ट अगर दोनों ने सुलह करने की ठानी है तो कम से कम जिस तरीके से बच्चों पर असर हो रहा था, पढ़ाई मिस हो रही थी, शायद अब वो ना हो और उन चीजों का ध्यान रखा जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।